अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मोनोसेकराइड्स। मोनोसेकराइड्स जैसा कि नाम से जाहिर है, दे हैव सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। मोनोसेकराइड्स को बायोकेमिकली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मोनोसेकराइड्स आर पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पोली हाइड्रोक्सी कीटोन्स। यानी इसके मॉलिक्यूल में आप देखते हैं कि या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या एक कीटोन ग्रुप होगा। वन ऑफ द कार्बन इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कीटो ग्रुप, बाकी रेस्ट ऑफ द कार्बन आर हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो जब भी आप किसी मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आते हैं आपको, एंड वन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विच इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप आर कीटोन ग्रुप। तो दोनों में फर्क आपको बताया, एल्डिहाइड ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन कार्बन नंबर वन पे, और कीटो ग्रुप के अंदर कार्बोनाइल कार्बन यानी सी ओ वाला कार्बन कार्बन नंबर टू के ऊपर होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन, यानी आप मोनोसेक्राइड्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। देर आर टू वेज मोनोसेक्राइड्स को दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन ऑफ द क्राइटेरिया इज देयर फंक्शनल ग्रुप, यानी आइदर दे में हैव एल्डो ग्रुप तो एल्डो शुगर्स होंगी, या कीटो ग्रुप कंटेनिंग कीटो शुगर्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डो ग्रुप होता है, तो दैट इज़ वाई ग्लूकोज इज द एल्डो शुगर। इसी तरह आप राइबुलोज के अंदर देखते हैं उसमें कीटो ग्रुप है, कार्बन नंबर टू पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज कीटो शुगर। एज फार एज नंबर ऑफ कार्बन आर कंसर्न, अगर आप नंबर ऑफ कार्बन के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे कैन बी ट्राइओसिस। इन केस ऑफ ट्राइओसिस दे हैव थ्री कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आर थ्री, सी थ्री एच सिक्स ओ थ्री इनका फार्मूला होगा, और इसमें दो आपके पास कैटेगरीज हैं, एक जो है ग्लिसरल्डिहाइड विच इज द एल्डो शुगर एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन विच इज अ कीटो शुगर। इस तरह टेट्रोजिस जो है, टेट्रोजिस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन फोर होते हैं, चार कार्बन होते हैं, तो इसमें एरेथ्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डो टेट्रोज, वाइल एरेथ्रुलोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटो कीटो टेट्रोज। पेंटोजिस के अंदर भी राइबोज शुगर है एल्डो फॉर्म और राइबुलोज इज अ कीटो फॉर्म। इसी तरह हेक्सोजिस के अंदर भी आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज है इट इज़ अ एल्डो हेक्सोज, वाइल द फ्रुक्टोज इज अ कीटो हेक्सोज। सेम इज द केस विद हेप्टोजिस, हेप्टोजिस में ग्लूको हेप्टोज इज अ एल्डो फॉर्म एंड सुडो हेप्टोज इज अ कीटो फॉर्म। सो ये आपके पास सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर मोनोसेक्राइड्स। दे कैन बी आइदर एल्डो जैसे ग्लिसरल्डिहाइड एरेथ्रोज राइबोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोहेप्टोज आर एल्डो शुगर्स, एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एरेथ्रुलोज राइबुलोज फ्रुक्टोज एंड सीडोहेप्टोज आर एग्जांपल्स ऑफ कीटो मोनोसेक्राइड्स। कुछ इनके जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आप देखते हैं कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ कि दे आर सिंपलेस्ट एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी ये सादा शुगर्स हैं, इनकी मजीद हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। दे आर ऑलरेडी मोनोसेक्राइड, यानी वन शुगर यूनिट होती है, तो इनके अंदर कोई ग्लाइकोसिडिक बांड नहीं होता जिसको आप हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के जरिए से तोड़ सकें, तो लिहाजा दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। दूसरा जो इसके अंदर क्वालिटी है वो है हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ये वाटर के अंदर इजिली डिजॉल्व हो जाती हैं, दे आर डिफ्यूजेबल एंड दे आर इजिली सॉल्युबल। दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट एंड दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। इनके अंदर ये बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से इनको पानी के अंदर एकोमोडेट होने में कोई इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता। इसी तरह दे आर शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट, यानी जितने मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर स्वीट, देयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विद रिसेप्टर साइट्स ऑन द टंग एंड दे गिव सेंसेशन ऑफ द स्वीटनेस, एंड ऑल ऑफ दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। वाई दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स? बिकॉज दे हैव एल्डो ग्रुप आर कीटो ग्रुप ऑक्सीजन, इट कैन ईजिली गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर मालिक्यूल्स कैन बी रिड्यूस्ड, सो दैट इज वाई दे दीज शुगर्स आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, सारी की सारी मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इसी तरह दे में शो स्टीरियो आइसोमर्स। अब इनके अंदर स्टीरियो आइसोमर्स से मुराद क्या होती है? से मुराद ये होती है कि इनके अंदर जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, जैसे कार्बन नंबर टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच हैं, कार्बन नंबर टू के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सल है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आर ग्रुप है सारा, तो दे आर हैविंग फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। तो इस तरह के कार्बन को आप क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज काइरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। तो एसिमेट्रिक कार्बन की के ऊपर जो अरेंजमेंट है हाइड्रोक्सिल की और हाइड्रोजन की, इनके लिहाज से आपके पास इनके आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन बी एनोमर्स एनेंशोमर्स बाई स्टीरियो आइसोमर्स या डाई स्टीरियो आइसोमर्स एंड एपिमर्स। इसके अलावा जनरल करेक्टरिस्टिक्स में आप देखते हैं इनके अंदर ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है, एंड दे में आल्सो है
क्लोज चेन स्ट्रक्चर व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर, यानी इनको आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ओपन चेन स्ट्रक्चर विल बिकम मोर स्टेबलाइज इन अ मोर स्टेबल फॉर्म विच इज रिंग स्ट्रक्चर. रिंग स्ट्रक्चर फाइव कॉर्नर भी हो सकता है फ्यूरानोज, आर इट कैन बी सिक्स कॉर्नर पायरानोज रिंग भी हो सकता है. तो ये कैसे होगा ये हम देखेंगे अभी, ये किस तरह से बनाते हैं. सो दीज आर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ या प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ शुगर. शुगर्स में से पेंटोज एंड हेक्सोजेस जो होती हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर. नॉर्मली दे आर ओपन चेन स्ट्रक्चर बट अपॉन डिसॉल्विंग इन वाटर दे अज्यूम मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन विच इज देयर रिंग स्ट्रक्चर. अगर आप पेंटोजेस को यानी जो राइबोज है या आप फ्रुक्टोज को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो दे में फॉर्म फाइव कॉर्नर रिंग. दिस फाइव कॉर्नर रिंग इज कॉल्ड एज फ्यूरान लाइक रिंग. तो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कॉर्नर्ड, पांच कोनों वाला. इन पांच कोनों में से वन ऑफ द कॉर्नर इज हैविंग ऑक्सीजन वाइल रेस्ट ऑफ द कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय कार्बन. इसी तरह दे कैन फॉर्म सिक्स कॉर्नर रिंग, यानी छः कोनों वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. इन छः कोनों में से एक कॉर्नर जो होता है उस पर ऑक्सीजन होती है, बाकी सारे कॉर्नर्स पे कार्बन होती है. तो ये रिंग स्ट्रक्चर जो है ये इनका ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन होती है एज फार एज एक्वस सोल्यूशन इज कंसर्न. यानी इनको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो दे अज्यूम मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन विच कैन बी फ्यूरानोसिस आर हेक्सानोसिस. फ्यूरानोसिस आर फाइव कॉर्नर रिंग शुगर्स एंड पायरानोसिस आर सिक्स कॉर्नर रिंग शुगर्स. अब मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चर बनता कैसे है, देखें आपके पास ये एक राइबोस शुगर है. इस राइबोस शुगर में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हैं एंड पॉलीहाइड्रोक्सी है तो ऑल कार्बन हैव हाइड्रोक्सिल. जैसे इस कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सिल, 4 पे, 3 पे एंड 2 पे हाइड्रोक्सिल एंड कार्बन नंबर 1 इज हैविंग दिस एल्डिहाइड ग्रुप. अब एल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन है दिस ऑक्सीजन लिंक्स विद कार्बन नंबर 4, ठीक है जी. यानी इस ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन नंबर 1 है और दूसरी तरफ ये आके लिंक करता है कार्बन नंबर 4 के साथ. यानी ये वो ऑक्सीजन है, इसके एक साइड पे कार्बन नंबर 1 है और दूसरी तरफ से ये लिंक करता है कार्बन नंबर 4 के साथ, ठीक है जी. और देन कार्बन नंबर 2, 3 एंड 3. अब ये कार्बन नंबर 1 इस ऑक्सीजन के थ्रू 4 के साथ लिंक कर रहा है. कार्बन नंबर 1 इज लिंक्ड विद कार्बन नंबर 4 थ्रू दिस ऑक्सीजन एंड दिस स्ट्रक्चर विल अज्यूम अ फाइव कॉर्नर स्ट्रक्चर. वन ऑफ द कार्बन कॉर्नर इज ऑक्सीजन वाइल रेस्ट ऑफ द कॉर्नर्स आर कार्बन. एंड इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें ये फिफ्थ कार्बन जो है रिंग से बाहर है, यानी CH2OH इज आउटसाइड द रिंग. कार्बन नंबर 4 के बाद कार्बन नंबर 5 आउटसाइड द रिंग है और कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर. इस रिंग स्ट्रक्चर को आप कहते हैं राइबो फ्यूरानोज. वाई? बिकॉज इट इज राइबोज एंड फ्यूरान रिंग बना रही है और ओज सुफिक्स इज यूज फॉर शुगर्स, सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज राइबो फ्यूरानोज. इसी तरह जब आप देखते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 देर आर 6 कार्बन. कार्बन नंबर 1 का जो ऑक्सीजन है दिस ऑक्सीजन लिंक्स विद कार्बन नंबर 5, ठीक है जी. ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 5, यानी इस ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन नंबर 1 है और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 5. तो ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 5 के साथ आके लिंक करता है और कार्बन नंबर 5 और 1 के दरमियान में ये ऑक्सीजन है, ठीक है जी. और कार्बन नंबर 5 का हाइड्रोक्सिल किधर चला जाता है, दिस कार्बन नंबर 5 हाइड्रोक्सिल गोज टू कार्बन नंबर 1, यानी यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक. तो अब रिंग जो स्ट्रक्चर बनता है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 आर पार्ट ऑफ द रिंग. दिस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, यानी कार्बोनाइल ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिंग स्ट्रक्चर एंड CH2OH ग्रुप इज आउटसाइड द रिंग. ये स्ट्रक्चर जो है ये आपके पास ये रिंग से बाहर होता है, ठीक है जी. तो दिस स्ट्रक्चर इज आउटसाइड द रिंग. दिस रिंग इज सिक्स कॉर्नर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पायरान रिंग एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पायरानोज. क्योंकि ये ग्लूकोज बना रहा है तो ये ग्लूकोपायरानोज. इसी तरह से गैलेक्टोजेस या मेनोजेस जो हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ दिस सिक्स कॉर्नर रिंग. दिस सिक्स कॉर्नर रिंग इज कॉल्ड एज पायरानोज.